जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के उपाय बताऊंगा। पुत्रदा एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी होती है और पुत्रदा एकादशी वाले दिन पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। जिनके भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या जो भी पुत्र की कामना रखते हैं उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान के योग बन जाते हैं। जिनके भी संतान का योग नहीं है संतान के योग बन जाते हैं। और एकादशी की जब आप कथा सुनोगे तो उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति में परेशानी आती है, जैसे पितर दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से परेशानी आती है। वहीं अगर कुंडली में भी संतान भाव हमारा हीन हो या संतान भाव के जो स्वामी हैं वह अशुभ अवस्था में हो तब भी संतान प्राप्ति में परेशानी आती है। लेकिन पुत्रदा एकादशी की अगर आप पूजा करते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन आप उपाय करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए, तो शीघ्र ही आपकी पुत्र की कामना पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें। सबसे पहले सुबह बिस्तर त्यागने से पहले अपने दोनों हाथों को देखें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात काल कर दर्शनम। यानी ऐसे अगर हाथों को आप करेंगे, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात काल कर दर्शनम, यानी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु सबका वास हमारे हाथों में होता है। तो सबसे पहले आप इनको हाथ के दर्शन करने और तीन बार ऐसे मुंह पर हाथ को फेरना है। इससे क्या होता है कि संतान प्राप्ति की जो रेखाएं हैं वह प्रबल होती हैं और धन प्राप्ति का भी योग बनता है। उसके बाद में आप पृथ्वी माता को तीन बार स्पर्श करेंगे, उनको पूजेंगे। उसके बाद में आप स्नान करेंगे तो स्नान की बाल्टी में जो स्नान करेंगे उसमें थोड़े से तिल और गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। इससे जो भी हमारे ऊपर दोष होते हैं या हमारे ऊपर अशुभ ग्रह की छाया होती है वह शांत हो जाती है। उसके बाद में आपको एक पटले पर भगवान लड्डू गोपाल जी को, सालग्राम जी को स्थापित करना है। पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सबको एक गिलास लोटे में जो है मिक्स करके रख लें और भगवान को थाली में बैठा करके या किसी भी प्लेट में बैठा करके उनको स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को आप बोलते रहें और स्नान करा दें। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको वस्त्र पहना करके बैठा दें। अब आपको हाथ में जल लेना है। पहले पूजा की सामग्री रख लें सारी, हाथ में जल ले लें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पुत्र की कामना के लिए यह व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं और यह उपाय करूंगी, आप मेरी पुत्र की कामना पूरी करें। ऐसा कहकर के वह जल वहीं पर छोड़ दें। उसके बाद में आप पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करें। उसके बाद में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपको मक्खन मिश्री, सफेद तिल, गुड़, चंदन, 31 तुलसी के पत्ते, ये सारा सामान आपको रख लेना है। संतान गोपाल मंत्र का पाठ करते हुए देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनु कृष्णम त्वामहं शरणं गतः, ऐसा बोलते हुए एक बार बोलेंगे, एक पत्ता सालग्राम जी पर अर्पण करेंगे और मन में प्रार्थना करते जाएंगे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, रखते जाएंगे। उसके बाद में जब आपका यह उपाय पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको इसी मंत्र की, और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको दीपक जरूर जला लेना है। जब आप उपाय करेंगे तो दीपक जलाने से शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जला करके रखें
और अगर इत्र मिल जाता तो भगवान को इत्र भी अर्पण करें। उसके बाद में जब आपका ये उपाय हो जाएगा तो आपको संतान गोपाल मंत्र की एक माला, दो माला, तीन माला, जितना कम से कम एक माला जाप जरूर करें। उसके बाद में आप हरवंश पुराण का पाठ जरूर करें। आज के दिन एक अध्याय जरूर सुन लें, बहुत सारी वीडियो में डाल रखी हैं हरवंश पुराण की। आप करेंगे हरवंश पुराण HS भारद्वाज, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वह श्रवण जरूर करें। उसके बाद में अगर संभव हो सके तो छोटा सा हवन कुंड, हवन जलाएं, हवन प्रज्वलित करें और उसमें 108 आहुति संतान गोपाल मंत्र की कर दे दें। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय और पुत्रदा एकादशी को खास करके अगर ये करते हैं तो आपकी अवश्य मनोकामना पूरी। उसके बाद में एकादशी वाले दिन आप दो फल और कुछ सामान लेकर के किसी भी ज्ञानी पुरुष, यानी कोई साधु हो या कोई ब्राह्मण हो, उनके पास जरूर जाएं और उनको वह देकर के उनका आशीर्वाद जरूर लें। और अगर वह मुख से कह देते हैं पुत्रवती भवः, पुत्रवती भवः, तो पुत्र की कामना जल्दी पूरी हो जाती है। और आप उनसे कह भी सकते हैं कि महाराज हमें पुत्र प्राप्ति का आप आशीर्वाद दीजिए। अगर आप नहीं, तो आप अपने घर में कोई बुजुर्ग हो, जैसे आपके माता पिता हैं, कोई भी है, तो आप उनको भी दे सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। उसके बाद में जब आप ये उपाय कर लेंगे, उसके बाद में आपको गौशाला जाना है। ध्यान रखें गौ माता की पूजा बहुत जरूरी है, इसमें पुत्रदा एकादशी में गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है, पूजा का बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन, खास करके पुत्रदा एकादशी वाले दिन, वैसे तो गौ माता की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, पुत्रदा एकादशी वाले दिन गौ माता की पूजा जरूर करें, इससे आपकी पुत्र की कामना पूरी होगी। इस दिन गौ माता के लिए आप कोई वस्त्र भी लेके जाएं और साथ में गौ माता को मीठा खिलाएं, जो भी आपकी बस की हो, गुड़ तिल जरूर खिलाएं, बाकी हरी घास जरूर खिलाएं। ये खिलाने के बाद में आप माता से पुत्र की कामना बोलें, गौ माता से प्रार्थना करें और आपको जो है परिक्रमा करनी चाहिए। गौ माता की परिक्रमा संभव है तो जरूर करें, नहीं तो आप उनको नमस्कार जरूर करें। गुड़ आपको दोनों हाथों पर रख करके खिलाना चाहिए, इससे गौ माता की जो जिब्या है आपके हाथों को स्पर्श करें। आप इस दिन जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। बड़ी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पुत्र की जिनको भी कामना है वह ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भगवान की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपाय अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें जिससे सबका भला हो सके, सबको पता चले। और जो भी चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गौ माता की, जय श्री कृष्ण।